यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। चलिए आगे बढ़ेंगे, खबरों का रुख करेंगे। कैराना और नूरपुर का उपचुनाव 28 मई को होना है और इसके लिए चुनावी अभियान अंतिम दौर में है, लेकिन बिना मांगे समर्थन देने वाली कांग्रेस को न तो अब तक आरएलडी ने पूछा है और ना ही समाजवादी पार्टी ने। नतीजा ये हुआ है कि कांग्रेस के बड़े नेताओं ने अब उपचुनाव से दूरी बना ली है। कैराना लोकसभा के चुनाव दिलचस्प नजर आ रहे हैं। कर्नाटक में राजनीतिक उठापटक शांत होते ही सभी पार्टियों की निगाहें पश्चिम उत्तर प्रदेश के कैराना और नूरपुर उपचुनाव पर टिकी हैं। बता दें कि कैराना में लोकसभा उपचुनाव और नूरपुर में विधानसभा उपचुनाव होने हैं। इस साल गोरखपुर और फूलपुर की हार से तमतमाई बीजेपी, कोई खतरा नहीं उठाना चाहती। बीजेपी की तरफ से यहां मृगांका सिंह खड़ी हैं, जो पश्चिमी यूपी के प्रभावशाली परिवार से ताल्लुक रखती हैं। दूसरी उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन की मां तबस्सुम हसन है, वो राष्ट्रीय लोक दल से चुनाव लड़ रही हैं। तबस्सुम को सभी विपक्षी पार्टियों का समर्थन है, हालांकि आर पार की इस चुनावी जंग में तबस्सुम की राह आसान नहीं दिख रही, क्योंकि उनके रास्ते में अपनों ने ही कांटे बिछा रखे हैं। बीजेपी उम्मीदवार मृगांका सिंह के साथ उनका गुर्जर समुदाय है। इसके अलावा जाट, राजपूत और सैनी वोट भी मृगांका की ताकत है। जाटव मतदाता बीएसपी आलकमान के फरमान के इंतजार में है, जबकि मुस्लिम मतों में मृगांका सिंह सेंधमारी करती दिख रही हैं। गौरतलब है कि पिछले दो महीने पश्चिम यूपी में दलितों से जुड़ी कई घटनाएं चर्चा में रही। SC ST एक्ट में संशोधन के खिलाफ भारत बंद के दौरान हुई हिंसा और सहारनपुर में भीम आर्मी नेता के भाई की हत्या, कैराना लोकसभा सीट में पड़ने वाली 5 में से 2 विधानसभा क्षेत्र सहारनपुर जिले में पड़ती हैं। कैराना सीट पर विपक्ष की ओर से आरएलडी ने तबस्सुम हसन को उम्मीदवार बनाया है, लेकिन जिस प्रकार गोरखपुर और फूलपुर उपचुनाव में बीजेपी के खिलाफ विपक्ष एकजुट होकर मैदान में उतरा था, वैसा नजारा यहां दिख नहीं रहा। गोरखपुर और फूलपुर में सपा उम्मीदवारों के लिए बाकायदा बसपा कार्यकर्ता वोट मांगते नजर आ रहे हैं। सपा के कुछ नेता भले ही कैराना में दिख रहे हैं, लेकिन बसपा नेता कुछ बोलने को तैयार नहीं। सपा के मूल वोट यादव मतदाता इस लोकसभा सीट पर बहुत कम है। वहीं मुजफ्फरनगर दंगे की आंच अभी लोगों के अंदर धधक रही है। जाट और मुस्लिम के बीच बड़ी दूरियां पूरी तरह से पटी नहीं है। हालांकि तबस्सुम हसन आरएलडी से उम्मीदवार है, लेकिन इसके बावजूद जाट समुदाय का दिल जीत पाने में सफल होती नहीं दिख रही। जबकि योगी सरकार जाटों को साधने के लिए मुजफ्फरनगर दंगे के आरोपियों से केस वापस लेने की तैयारी में है। कैराना चुनाव में बीजेपी के लिए ट्रंप कार्ड साबित हो सकता है।